Subscribe to NVC for maths and press the bell icon to never miss any updates. अब आपके सामने एक न्यू एक्सरसाइज आया है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, है ना। और इस ये जो टॉपिक है इसको आप जो है मतलब आप यू कह सकते हैं कि आपके फ्यूचर तक के लिए ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। आप तो कहीं भी आगे आप 11 12th IIT वगैरह की आप तैयारी करना चाहते हैं, हर एक जगह पे इस चैप्टर का यूज है आपको, है ना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जब 12th में आप जाएंगे तो यहाँ तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन 11th 12th में आप जब जाओगे तो वहां पर ये थ्री टर्म का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे लीनियर इक्वेशन में है टू वेरिएबल है तो थ्री वेरिएबल भी आता है, उसी तरह से इसका भी आगे फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आगे फॉर्म है, ठीक है। तो खैर वो तो बात होगा आगे जब आगे जाएंगे हम लोग, फिलहाल अभी तो यहीं पर है हम लोग। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूं फिर आपको ले चलूंगा। सबसे पहले आप ये जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते थे तो पॉलिनोमियल में हम लोग बोलते थे जीरोज, वैल्यू ऑफ एक्स को क्या बोलते थे, जीरोज, है ना। एस भी लगा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूट। ध्यान दीजिएगा जो जीरोज है वही रूट है। तो यहाँ पे रूट कितने होंगे तो आपको यहाँ पे बताना होगा। सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें हमारे डिग्री कितने हैं, तो इसके डिग्री हमारे दो हैं तो भाई रूट्स भी कितने होंगे, दो होंगे, है ना। जितना डिग्री उतना रूट, किसी का तीन डिग्री तो रूट भी तीन, चार जिसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं तो उसमें चार होता है, जीरो चार, और जीरो को ही बोलते हैं क्या यहाँ पे, रूट। एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर रखना है बातों को, ठीक है ना। जीरो को इक्वल कर दे हम किसके साथ, रूट के साथ, बस ये पॉलिनोमियल के लिए और ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो दिक्कत चली आई। अभी आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये बोलेगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये सिर्फ आपको शो करके दिखाना होगा, बताना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अभी आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा। तो भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अगर ये फॉर्म आया तभी हम बोलेंगे कि है, और अगर नहीं आया तो बोलेंगे नहीं है, क्लियर है। देखिए तो इसमें आपको देखना है क्या है, इसमें एक ही चीज आपको देखना है कि डिग्री जो होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, टू, यानी पावर जो होना चाहिए मैक्सिमम कहां तक होना चाहिए, दो तक होना चाहिए, न दो से ज्यादा न दो से कम, क्लियर है ना। अब आइए दूसरी बात, ये जो डिग्री होना चाहिए, ये डिग्री जो है हमेशा ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ध्यान देना इस बात, है ना। पॉजिटिव इंटीजर करने का मतलब जब भी हो तो हमारा टू से तो स्टार्ट ही होना चाहिए, तो टू हो, टू से आगे तो हो नहीं, टू ही हो, बस सिंपल सी बात है। हमारा पॉजिटिव इंटीजर करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो देखिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको डेसिमल में नहीं होना चाहिए, कौन सब, हम डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, पावर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, ये सब अगर आ गया तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सिर्फ पावर हमारा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जिस देखिए बच्चों, अगर आपको क्या है कि इस तरह से दे दे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट एक्स और प्लस टू इक्वल टू जीरो सपोज करें, है ना। तो देखिए आप पावर तो आपको टू दिखता है, मानिए चलिए सही है, टू तो है पावर, लेकिन एक वेरिएबल और है और उस वेरिएबल पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट होना चाहिए, अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को।
ये सब बातों को ध्यान देना है। जैसे और एक एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ ठीक है, यहाँ दे दे 5x^3/2 = 0। पावर क्या आ गया? 3/2 आ गया, पावर फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन में जब रहेगा तो क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा बातों को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? हम कहना चाह रहे हैं कि पावर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और वो भी कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। एक और जो हमारा वेरिएबल हो, उस वेरिएबल पर कभी भी फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट नहीं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। वहां पे पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एकदम क्लियर है ना? तो यही आपका बच्चों आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है ना? इसी के आधार पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना? तो आइए हम लोग चलते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन पर सीधा हम आपको लेकर चलते हैं जहां आपको क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन या फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करके बताना है कि जो जो क्वेश्चन देख रखा है वो सारे क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ओके, तो आइए चेक कर ले फटाफट, हम लोग एक ही बार में आपका चेक हो जाएगा और आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा उसी के बेस पर सारा होगा। सॉल्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 1 का 1 आपको लिख देना होगा यहाँ पे, गिवेन इक्वेशन। गिवेन इक्वेशन क्या देख रखा है, x+1^2 = 2 (x-2)। अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि ये हमारा क्या है, x+a+b^2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना? और इसका क्या होता है, 2x-6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा बच्चों x² + 1 + 2x, और ये हो जाएगा अगर आप इधर भेजें तो -2x और +6 = 0 हो जाएगा। यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² 6+1 क्या हो जाएगा, 7 = 0 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें कि आपको लग रहा होगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगा। जी नहीं है, हमारा सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो जब मैक्सिमम पावर 2 है तो पहले तो क्वाड्रेटिक हो गया, पावर 2 ही होना चाहिए। अब रह गया कि सर इसमें आपको बताए थे कि a² + bx + c होना चाहिए, यही ना? कोई बात नहीं, हम ये तो है ना हमारे पास, कहोगे कहोगे सर यहाँ a नहीं है, तो a है, 1 है, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। प्लस b हम 0 ले सकते हैं ना, (x) और +7 = 0। हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 × x फिर से 0 ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, बस इस फॉर्म में हम लाके आपको दिखा दिए। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये देखिए आपको मैं इसको ये क्लिक करते जाता हूँ, है ना? ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, फर्स्ट जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखिए बच्चों आपको सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखें, है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपको कुछ इसी तरह से है, कुछ अलग नहीं है। इधर आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं 6 तक लगभग सेम क्वेश्चन है ना? तो मैं एक दो क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ और बाकी आप क्या करना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ही मैं आपको एक बार बता दूंगा, और क्वेश्चन नंबर टू देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपको देखना होता है क्या, x²-2x = -2 से मल्टीप्लाई करके ये तो -6 और -(-+2x) हो जाएगा, है ना? अब आप यहाँ से थोड़ा अरेंज करने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, x²-2x सबको इधर भेजिएगा तो -2x + 6 = 0 होगा, और यहाँ से क्या होगा, x²-4x + 6 = क्या होगा बच्चों, 0 होगा। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, ये x² + bx + c जो हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्लियर है ना? चेक हो रहा है ना? आप लास्ट में इसको लिख भी सकते हैं,
इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू ब्रैकेट थ्री माइनस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आप लिख देना है ना। आइए इसी में मैं बता दूं जरा थर्ड भी साथ साथ। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फाइव लगभग सेम क्वेश्चन है ना। लगभग आप सिक्स को भी आप इसमें ले सकते हैं, चलिए सिक्स छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ और उसी के आधार पर आप लोग क्या करना, आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव। मैं थर्ड बता देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है थर्ड में, टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस वन। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2x से कर लीजिए दोनों को, तो 2x से x को कीजिएगा 2x स्क्वायर, 2x से माइनस थ्री को कीजिएगा माइनस सिक्स एक्स, माइनस वन से x को कीजिएगा माइनस एक्स, माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू फिर से वही बात होगा x से दोनों को x स्क्वायर माइनस एक्स, फाइव से दोनों को फाइव एक्स माइनस फाइव है ना। देखिए अब एक जगह आप करने का प्रयास कीजिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, इधर से सब आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस फोर एक्स होगा, प्लस फोर एक्स है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस फोर एक्स, प्लस माइनस फाइव इधर आएगा क्या होगा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब तो इसको आप और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर ना बचेगा, माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस एट, देख रहे हैं बच्चों इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या आ गया आपको अनफॉर्चुनेटली थ्री भी आपका हो गया क्या है ना, क्या हो गया थ्री, थ्री नहीं था ये फाइव था ना, ये फाइव था सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं था, थ्री तो भाई यहीं पर कहीं था है ना, नहीं ये थ्री ही था, टू एक्स माइनस वन, हाँ टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री और इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस वन। अच्छा अच्छा मैंने लिखा थ्री और क्वेश्चन नंबर लिख दिया मैं यहाँ पे फाइव, ओके कोई बात नहीं, ये मैंने फाइव बना दिया आपके लिए है ना, कौन सा हो गया फाइव हो गया, ये थ्री नहीं, थ्री हम बोले थे भले लेकिन दिमाग में लगता आ गया क्वेश्चन नंबर फाइव का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर फाइव बन गया, कोई बात नहीं, बात थ्री बने चाहे बात फाइव का बने कोई एक बने, हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही, कोई दिक्कत। तो ये आपका हो गया क्या इस तरह से। चलिए तो अब आपके लिए मैं छोड़ूंगा कौन सा क्वेश्चन, भाई आपके लिए फोर रहेगा और थ्री रहेगा, आपको बनाना है ये दोनों क्वेश्चन, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। ठीक, अब आइए हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर सेवन का, सिक्स भी इसी के जैसा है, आप इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करना है ना, अगर दिक्कत होगा तो मैं इसको थोड़ा सा सिक्स को भी हिंट कर देता हूँ, आइए सिक्स को मैं हिंट कर देता हूँ थोड़ा सा, सिक्स में क्या है क्वेश्चन, देखिए इसको मैं पहले हटा दूं और क्वेश्चन पहले लिखना होगा है ना, सिक्स देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू है एक्स माइनस टू टू द पावर होल स्क्वायर। देखिए बच्चों यहां से आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस वन इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी का मतलब टू ए बी यानी माइनस फोर एक्स। ठीक है, आप देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा कैंसल आउट, ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, तो थ्री एक्स प्लस वन और माइनस फोर और प्लस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, इन दोनों को उठा के इधर लाया तो फोर प्लस थ्री सेवन एक्स और फोर माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है क्या, ये तो कहेंगे सर x तो नजर आता है कांस्टेंट नजर आ रहता है, ये नजर नहीं आता है, जो चाहिए वही नहीं, जो मेन चीज चाहिए वही हमारे पास नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला ऐसा क्वेश्चन होगा अभी तक जो हमने बनाया, चार क्वेश्चन चारों में पहला क्वेश्चन है जो क्या है क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, तो आप लोग यहां लिख देना है ना, ये इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। ओके आइए अब क्वेश्चन नंबर हम आपको निकल रहे हैं सेवन पर, और सेवन के जैसा ही एट नंबर है तो एट नंबर आप लोग के लिए मैं छोड़ दूंगा। आइए सेवन और एट कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं
आपको 7 को अच्छे से देख लेना है तो 8 बन जाएगा, या फिर 8 में बताऊंगा तो आपसे 7 बन जाएगा। बस यहां से एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है हमेशा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा ले रहे हैं भाई, 7 ले रहे हैं ना, चलिए 7 ले रहे हैं, ठीक है। 7 बच्चों को आता है क्वेश्चन की, देखिए x प्लस 2 टू दी पावर होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमको देखिए आपको याद क्या रखना है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, अगर यहाँ दिखता होगा अच्छे से तो मैं यहीं पे लिख दूं जरा, आपको याद रखना है a प्लस बी टू दी पावर होल क्यूब का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी, और वही फॉर्मूला अगर a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो जहां जहां प्लस देख रहे हैं ना सभी जगह आपको माइनस दे देना है। क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखते हैं तो इसी के जैसा a माइनस बी देखिए 8 में लागू होगा, अप्लाई 8 में होगा, और ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लाई होगा, है ना, क्लियर है। तो देखिए आइए अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके, आप प्लस आपको क्या है 3ab 3ab ब्रैकेट a प्लस बी यानी a प्लस बी इक्वल टू, इधर आप मल्टीप्लाई कर देना 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब 2x इंटू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2। अब यहां से आप आगे चले और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें आगे, है ना, इसको सॉल्व करिएगा आगे, तो आप ये देखिएगा कि मिलेगा आपको एक्स क्यूब प्लस 8 और प्लस 3 टू जा 6 6x ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू कितना 2x क्यूब और माइनस 2, ठीक है, ये मिलेगा। अब यहां से आप आगे चले तो सारे को एक तरफ लाए, एक्स क्यूब प्लस 8 और प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 6 टू जा 12x और माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x इक्वल टू 0। देखिए बच्चों एक्स क्यूब यहाँ है और एक्स क्यूब यहाँ है, दोनों माइनस होगा तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा, है ना, यहाँ देखिए 6x स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है तो सिर्फ 6x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर देखिए यहाँ 12x है और यहाँ 2x है तो 12 प्लस 2 14 14x हो जाएगा, यहाँ 8 है और बाकी कॉन्स्टेंट कहीं कुछ नहीं है तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये मिला। अब आपको देखना है कि क्या ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर ये फिट बैठता है क्या, तो आपको लग रहा हो कि सर स्क्वायर तो है लेकिन वो ज्यादा हो गया है क्यूब, क्यूब एक ज्यादा हो गया है तो भाई क्यूब ज्यादा हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्यूबिक हो जाएगा, क्या होगा क्यूबिक। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और सेम प्रोसेस के साथ आपको क्या करना है, ये आपको क्या हो गया बच्चों, ये आपका नहीं हुआ, है ना, 7 नंबर, ठीक है, 8 नंबर इसी जैसा आपके लिए मैं छोड़ूंगा और आप मुझे कमेंट करना है आपको कि है या नहीं है, ठीक है, आपको कुछ नहीं, वहां पे फॉर्मूला यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपको क्या है सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या है माइनस, बस यही। तो ए माइनस बी का होल क्यूब मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है, आप उसी पर क्या करना है आपको सॉल्व कर लेना है, ओके। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट टोटल। अब 1 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 हमारा क्या कहता है उसको जरा आप देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी जितना है ना सभी में आपको भी सॉल्यूशन किसी पर नहीं करना है, एक्सरसाइज 1 जो है एनसीईआरटी का उसमें सॉल्यूशन नहीं करना है आपको, सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है, अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताना है, अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्वाड्रेटिक को पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, बस वो करना है, बाद में देखा जाएगा कि सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन का भी टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, है ना। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का काम करते हैं, है ना। चलिए आइए, अब पेन भी मिल गया, कुछ पेन जो होता है अभी इंक लगता है कम था, आइए तो 2 नंबर क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, 2 का अगर फर्स्ट लिया जाए तो इसमें भी देखेंगे तो हमको इक्वेशन ही निकाल करके सिर्फ आपको बताना है, बस और कुछ नहीं, सॉल्यूशन बाद में होगा,
देख क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 meter square। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया दिया है कितना, 5 to 8 meter square दिया है, ठीक। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more twice its base। कहता है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का जो लेंथ है ना, इज का मतलब इक्वल टू, 1 more twice its base, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। लेंथ जो है ना वो क्या है कि ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, ठीक है। तो आइए यहां पे हम सपोज कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर, क्या होगा, एक्स मीटर। तो देन लेंथ हमारा कितना होगा, तो लेंथ हमारा कह रहा है क्या बच्चों, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, प्लॉट का लेंथ जो है, 1 more, एक ज्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। तो ब्रेथ के 2 into ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि एल बराबर जो होगा वो क्या होगा, 2 into x, क्योंकि ब्रेथ को x माने हैं, और प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाए। अब यहां से कहता है कि इसका एरिया, एरिया देख रखा है, कितना दे एरिया देख रखा है, देखिए तो 5 to 8 meter square। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, एल हमारा कितना, 2x plus 1, आई इंटू ब्रेथ हमारा कितना, x इक्वल टू 5 to 8, है ना। आइए तब यहां से क्या हो जाएगा, 2x square plus x, और ये उसके इधर आ जाएगा, तो -528 = 0। ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, 2x square plus x - 528 हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी को अभी आपको बनाने के लिए कह रहा था कि आप इक्वेशन फॉर्म कर पाते हैं या नहीं। अगर आप इक्वेशन को फॉर्म कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप अच्छे स्टूडेंट धीरे धीरे बन रहे हैं, है ना। तो ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन इजी था, आपको बस समझना था इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, उसको भी जरा देख। 2 में कहता है बच्चों कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। याद रखिएगा कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव जो होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। और कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव चाहिए, है ना, निगेटिव नहीं चाहिए, यानी 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, है ना। तो अगर 2 को चाहिए, 2 कॉन्सिक्यूटिव चाहिए, अगर एगो एक्स मांगते हैं तो दूसरा कितना, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। देख रहे हैं डिफरेंस कितना का जा रहा है, 1 का। तो यहां भी अगर एक एक्स ले तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहां से लेते हैं, लेट द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर आर, एस लगा दीजिए, आर पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 1। हमने क्या ले लिया, एक्स और एक्स प्लस 1 ले लिया। अब यहां से बच्चों कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव जो इंटीजर है उसके प्रोडक्ट का दिया हुआ कितना, 306। तो यहां से कुछ नहीं करना, आपको चलना है बाय द क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि एक ये और इंटू एक ये, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले, 306 मिले। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई होकर के इसको इधर लाएंगे तो -306 = 0 होगा। और ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझ रहे हैं बातों को, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस अपना क्या है, थोड़ा सा माइंड को लगाना है। माइंड लगाएंगे तो आपका आराम से बन जाएगा। और ये सब सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ नहीं, पढ़ना होता है अच्छे से। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपका जवाब आएगा, और कुछ है नहीं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन
हिम। रोहन की माँ जो है ना वो रोहन से 26 इयर्स बड़ी है। माँ है तो बड़ी होगी है ना। तो यहाँ पर से क्या होगा कि सपोज कर ले क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द एज ऑफ रोहन, आर ओ एच एन, रोहन का मान ले एक्स ईयर। तो इसलिए मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज, रोहन्स मदर एज कितना, एक्स प्लस 26 ईयर बड़ी है ना, 26 ईयर बड़ी हो गई। अब कहता है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस है ना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब कहता है कि अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद है ना, तो यहां से लिखेंगे एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, 3 ईयर के बाद रोहन का एज, पहले एक था अब कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3, और एज ऑफ है ना रोहन्स मदर, रोहन्स मदर आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, तो इसको इनको भी ले जाना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, पहले से था एक्स प्लस 26, 3 साल बढ़ गया तो इतना हो गया, मतलब एक्स प्लस 29 हो गया। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये काम कर दिया। तो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, तो अब से 3 साल बाद हमने ये ला दिया, इसको फाइंड आउट कर लिया कि 3 साल बाद इतना और इतना एज होगा दोनों का। लेकिन कहता है कि उन लोग को उनके एज का प्रोडक्ट होना चाहिए कितना, 360, उनके एज का प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि बाय द क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि उसके 3 साल के बाद का एज से तो मतलब है ये है, साथ ही साथ उनके एज के प्रोडक्ट से भी मतलब है, 29 इक्वल टू कितना, 360। थोड़ा इसको आप सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 87 27 6 8, हाँ ठीक है 360। यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। देखिए कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इसको आप अगर एलिमिनेट करते हो, ये करते हो तो आपको हो जाएगा कितना, 360 माइनस 87 3 15 7 273 माइनस 273 इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका इक्वेशन बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था। आइए क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। फोर में जो है बच्चों, अभी आपने लीनियर इक्वेशन का पिछले एक्सरसाइज आपने पढ़ा था और एकदम बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम सेम। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, उसको भी आप जरा देख लें। फोर में कह रहा है ना कि अ ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है ना 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो आप जानते हैं कि टाइम क्या होगा, स्पीड कम टाइम ऊपर, तो टाइम क्या लगेगा, देन इट वुड बी टेकन 3 आवर मोर। देखिए टाइम ज्यादा लगा ना, टू कवर द सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 आवर ज्यादा लगेंगे, 3 आवर क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो यहां से आप जो है सपोज कर लेना कि लेट द आप यहां से स्पीड को भी सपोज कर सकते हो, किसी को सपोज कर लेना है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ पे आपको दो चीज नहीं मानना है। इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कहाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वहां हमने दो चीज माना था, सपोज किया था दो, एक स्पीड को सपोज कर लिए थे x, और एक टाइम को हमने सपोज कर लिया था है ना, जो भी टाइम यहाँ पर है, टाइम को हमने सपोज कर लिया था क्या, y। लेकिन ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमारा वेरिएबल एक ही होता है, या तो x रहेगा नहीं तो y रहेगा, एक ही को रहेगा, तो सपोज भी किसी एक को ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
तो आइए, तो ये दे दिया है हमारा स्पीड है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इक्वल टू कितना दे दिया है देखिए तो 480 किलोमीटर हो गया है ना। तो भाई टाइम क्या लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी, और अगर आपको निकालना है टाइम तो डी अपॉन एस हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपका है 480 और स्पीड है आपका एस है ना, ये आपका हो गया ठीक है। ये तो अभी तक क्वेश्चन से चला है बात, अब यहाँ से लेंगे बाय द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि क्या कंडीशन कहता है, कहता है कि 480 किलोमीटर उसको चलना है, डिस्टेंस उसको वही रखना है, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन अपने स्पीड को वो कम करेगा, स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, और तो स्पीड जब कम होगा तो टाइम क्या लगेगा, 3 आवर ज्यादा लगेगा। तो देखिए तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो वही बताया था ना कि स्पीड बराबर डी बाई टी, तो डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड पहले कितना था, एक्स था, कितना कम हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, टाइम पहले कितना लगता था, 480 बाई एस लगता था, अब क्या लगेगा, 3 आवर कम लगेगा, बस यही देखिए आपका क्या हो गया, इक्वेशन रेडी हो गया। अब आप इसको जितना अच्छा से आप बना सकते हो बना लो, यहाँ डिस्टेंस हमारा 480 इक्वल टू आप यहाँ से x माइनस 8 है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x एलसीएम लीजिएगा तो 480 माइनस 3x हो जाएगा है ना। अब इसको थोड़ा आप कैलकुलेट कर लो, x से पहले दोनों करो मल्टीप्लाई, तो 480x और x से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, 8 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा थोड़ा, 8 × 0 माइनस होगा 0, 8 × 8 = 64 के 4 आते मेरा 6 और 8 × 32 6 × 38 38, और 8 से करेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस 24x हो जाएगा, और ये वाला x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर हो जाएगा कितना, 480x हो जाएगा है ना। अब इसको आप अरेंज करना है, बस आपको यहाँ 480x है सबको इधर लाइए, माइनस 480x है ये तो कट जाएगा ऐसे ही, प्लस 3x स्क्वायर होगा, प्लस 3840 होगा, माइनस 24x होगा इक्वल टू 0। देखिए 480 से 480 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, बचेगा हमको 3x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 3840 इक्वल टू 0। आप चाहोगे तो 3 सब तक कॉमन भी ले सकते हो, अगर 3 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x और ये हो जाएगा 8 × 32 2 × 24 8 × 24 3 है ना, हाँ इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा ठीक है। 3 से ले रहे हैं ना, एक मिनट 3 से ले रहे हैं तो 1 × 3 = 6 = 24 1260 ठीक है ना, 1260 8 × 6 = 24 कितना ठीक, ये अब 3 जाके उधर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस इतना इक्वल टू इतना, और इस तरह से आपका ये क्वालिटी इक्वेशन आ गया। यहाँ भी आप आंसर बोल सकते थे कोई बात नहीं, लेकिन इससे अच्छा फॉर्म ये है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, कोई दिक्कत। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज 4.1, जिसमें आपको सॉल्यूशन तो मैंने करना नहीं सिखाया अभी तक, लेकिन हाँ इक्वेशन बनता है कैसे और क्वालिटी इक्वेशन को पहचानते हैं कैसे, ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा पाया। ओके तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जब हम लोग आएंगे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन लेकर के है ना, तो मिलते हैं, बाय बाय सभी को।